सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अभिकर्णा। ऑफिस के लिए हो गए हैं रेडी। एंड गाइज, मैं कहना चाहूँगा, सच बता रहा हूँ, कल के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मेरे को जितने भी विशेस मिले हैं उनको, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब एक एक विशेस मेरे लिए जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सो फिलहाल जो है अपने निकलते हैं ऑफिस के लिए। लक्ष्य मेरा शायद वेट कर रहा होगा, या हो सकता है मुझे जाके वेट करना पड़ेगा उसका, जो भी है। तो चलते हैं फील्ड पर, बट थोड़ी सी तबीयत मेरी अभी भी सुस्त है, पूरा शरीर में दर्द है एंड कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बुखार अभी नहीं है फिलहाल, मैं दवाई ले ली है मैंने नाश्ता करके, नाश्ता नहीं खाना, खाना हमने खा लिया है, खाने मस्त, वही खाना बताऊंगा नहीं आपको आज। फिलहाल आए हुए थे गोपी भैया की दुकान पे चाय वाय पीने के लिए, मीटिंग करने के लिए, ये सब हो गई है। अभी निकल रहे हैं हमारे इसमें, भाई से मिल करके आते हैं, थोड़ा काम है, उसके बाद जाएंगे दाढ़ी करवाने के लिए। काफ़ी टाइम से मतलब दाढ़ी भी नहीं करवाई अपन ने, तो दाढ़ी और कटिंग देख लेंगे, दोनों करवा लेंगे। सो गाइस, फिलहाल आए तो थे हम कटिंग कराने के लिए, हम मतलब मैं और लक्ष्य ही बात कर रहे थे कि लोग बड़े ही बुरे हैं इस दुनिया के अंदर में। अब बताएंगे नहीं हम किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन दुनिया को जब काम होता है ना, दुनिया को जब काम होता है ना, तब आपको बहुत फ़ोन करेगी, बहुत आपको मैसेज करेंगे, लेकिन दुनिया को जब काम नहीं होता आपसे, और आपसे जो स्वार्थ था उनका ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका कॉल, आपके मैसेज का जवाब देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सो गाइस, सीन ये है कि कटिंग वटिंग करवा ली है मस्त एकदम, ठीक है, और अभी बज गए हैं वैसे 6:30। एंड आज पूरे दिन में इतना काम किया, बीमार होने के बाद भी हमने, मतलब क्या बताऊँ आपको, खुद को इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि आप देख लो मैंने ब्लॉग कितना बनाया है, ब्लॉग कुछ बनाया ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं बनाया आज। तो फिलहाल कटिंग वटिंग करा के लिए घर के भी निकल रहे थे, लेकिन एक आ गया हमारे पास में कस्टमर का फ़ोन, तो फिलहाल जा रहे हैं रानी बाज़ार, वहाँ काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। सो गाइस, फिलहाल आ गए घर पे एंड अभी बज गए हैं 8। तो यार आज सीन ये रहा है कि एक बंदा है, मतलब वैसे बता रखा है मैंने बार बार क्या कहूँ, उसके वजह से बहुत परेशान हो गया था मैं। एंड उसका वजह से दो चीज़ें हुई, एक तो ना मेरा ब्लॉग बना और ना मेरा ऑफिस का काम प्रॉपर हुआ। हाँ, ऑफिस का काम वैसे तो बहुत ज़्यादा किया हमने, 8 बज गया तो सोचो, मतलब सुबह से लेकर के 10 बजे से 8 बजे तक, तो कितनी विजिट्स की हमने और कितने हम घूमे, मतलब कि घूमे इन द सेंस ऑफिस के काम के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी आपसे, लेकिन क्या कहूँ, बस आपको ये कहना चाहूँगा कि कल आपने विशेस बहुत अच्छे चीज़ की मेरे को, एंड थैंक यू सो मच। सारी सारी जो टॉफीज है ना, ये कैंडीज, वो सब आपके लिए है। सो अगेन 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 थैंक यू सो मच, आपकी इतनी प्यारी प्यारी विशेस थी उसके लिए। बस वही है कि ये टॉफियाँ खाओ और अपना प्यार जो है मेरे पे बरसाए रखो। सो गाइस, सबसे पहले जो है नहाएंगे, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ने लग गया कपड़े और पहन करके, फिर याद आया कटिंग करा रखी है, नहाना जरूरी है, तो बाल खा रहे, नहाना है मेरे को। हाँ देखो, बांद्रे बैठी है, बैठी देखो। एंड नहा तो क्या हो गया रेडी, मस्त एकदम चमक रहा हूँ ना मैं, बता देना मेरे को है चमक रहा हूँ ना आज मैं। चल ऐसा क्यों मुंह बना दिया, मार क्यों रही है, क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ चमक रहा हूँ क्या मैं, चमक रहा, देख लाइट आ रही है आपकी। अच्छा, सबसे ज्यादा चीज क्या चमक रही है मेरे चेहरे से ऊपर में, सबसे चमकने वाली चीज कान चमक रहे हैं आज मेरे, बताऊंगा नहीं क्यों। सो गाइस, फिलहाल ला गए घर पे, तुम ऐसी कर रहे हो बोलते, तो फिलहाल जो है आज यार बहुत परेशान हो गया मैं, क्यों काम ज्यादा था, व्लॉग बना नहीं बिल्कुल भी, अब मैंने कसम नहीं बनाएगी व्लॉग, तो क्या बनाऊंगी तो नेल पॉलिश दे, हालत देख नेल पॉलिश रही, तो ऐसे घर में पूरी थोड़ी ना लगी रहती, घर में आधी लगाते हैं, बाहर जाते हैं तो पूरी लगा के जाते हैं, ऐसे होती है। सब्जी डाल लो, दाल, सब्जी कहीं की आज, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर आज, ओ माय गुडनेस, दाल, दाल है, अचार लेंगे, अच्छा। तो फिलहाल बाबूडा क्या कर रहा है, मेरा बाबूडा गिनना, मेरी आदत पता क्या पड़ी हुई है, मैं भी उधर जाने वाला था पीछे,
मैंने कहा गिनना गिनी, बट गिनना गिनी हमारे साथ नहीं है। हाँ चाहिए। हेलो गाइज, हेलो गाइज, कहाँ कर ले मेरी बिल्ली, मेरी बिल्ली गिरी कि गाना है ना, गिन लो बच्चा, ये गिन लो बच्चा। और यहाँ चल रही है चिट्टी चिम्मा। आप तो मतलब आप देखो कितने वीडियोस बनाए हैं जिसका अंदर रूम में आते ही जो है चिट्टी चिम्मा चलती रहती बाबू की, और कुछ नहीं है, बाबू तो मोबाइल चला रहा है अपना। और इसकी मम्मी को मतलब नहीं है कि बिजली का बिल बढ़ो कुछ बढ़ो, टीवी चलती रहेगी हर समय 24 घंटे। सो गाइस फिलहाल जो है सुबह आपको नहीं पता था मैंने क्या खाना खाया, बट अब बता देता हूँ। फिर आपको यार क्या खाना खा रहे हैं बताया तो हमको है नहीं, है ना। सुबह से नहीं, सुबह क्या खाया था मैंने, मूली की सब्जी खाई थी, कहीं बताऊँ डेली डेली मूड़ो डेली डेली मूड़ जी खाई थी हमने। सो गाइस फिलहाल जो है खा रहे हैं दाल रोटी, खाओ प्रभु के गुण गाओ, और साथ में रेडी फिंगर, साथ में अचार, और साथ में है टाटा नमक। क्या हुआ, नमक लून लून नून नून मेरी चिट्ठी जी में देखना पड़ेगा, मैं न्यूज नहीं चला सकता मेरी। क्या भूख लग रही तेज, सुनिया जो है भूखे मर रही है बुरी तरह से। वैसे बताऊँ मैंने भी सुबह खाना खाया था, उसके बाद मैं पूरे दिन में मैं शायद चाय भी मैंने अगर मुश्किल से पिए तो सिर्फ एक बार पिए, वो भी गोपी भी एक दुकान पे। तो गाइस फिलहाल आया था मैं मेडिकल शॉप पे बाबू के लिए दवाई लेने के लिए, क्योंकि बाबू की होगी तबीयत खराब, उसको लग रही है दस्ते, तो भाई के पास आ गए दवाई ले लेते हैं। इक्की मेरे भाई बस अड्डे में कंडीशन थी वहाँ खड़े, उसमें एक एक में वो घूम रहे। हाँ जी हाँ सर गाइस, लड़की के भाई पीछे वाला तो आप देख गए थे ना मेरे को जोधपुर से आने के बाद, वो तो मेरे को ध्यान है, आते ही सबसे पहला काम ही आपने करा था। और बताओ और कोई, ये इंग्लैंड कल मंगा देंगे, और कितने पत्ते मंगाएगा। बाबू को दी जा रही है दवाई, बाबू की लग रही है पोती, पोती नहीं पोती तो ये खुद है, खाओ। और पड़ी है इसे दबा दे तो उसको दबा दे ले तो ये तू ले ले सारे जरूरत है खा दीजिए खा लो तू तो। सो गाइस फिलहाल सीन ये है कि मेरा जो कान है ना, मेरा कान कर रहा है फर 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 ऐसे, मेरा कान फर फर कर रहा है ऐसा क्यों सही कह रही किधर लगा ये तो ईयरबड है, नाप लोगे क्या ईयरबड है एक है क्या नाप लेने के लिए पेन टंगाते वैसे ईयरबड में कान मेरे को ना कान फटफट कर रहे हैं मेरा, ऐसा क्यों हो रहा है, कफ के कारण से हो रहा है कान मेरा, कान जुकाम हो जाता है ऐसा होता है क्या, मैं तो डर गया था, मुझे लगा मेरे कान में कुछ घुस गया, फिर कान फटफट कर रहे हैं, कहा था नहीं तो मैं सही कर देती हूं। मम्मी बाबा तू जा किचन घर ले जाओ। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो करते ही पेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बंद कर यार टीवी ने। तो गाइस खाना क्या काम करने बैठ गए हैं, एंड अभी देखो स्नेहा तेज चिल्ला रही है लाडो पे, और दोनों माँ बेटी झगड़ा कर रहे हैं दोनों, क्यों लड़ रही है स्नेहा बताओ तो लाडो से, आप परेशान कर रहे हो, किसी को बैठने नहीं देते एक सेकंड भी, हर टाइम बूढ़े आदमियों की तरह हाजिरी भरवाते रहते हो। मैं कह रहा हूँ लाडो से क्यों लड़ रही है तू, तो माओ लड़ने लग गई लाडो से लड़ रही होगी, मुझे टीवी फोन कुछ नहीं देखने देती, तो कोई जरूरी है कोई दवाई टीवी फोन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा बाय गुड नाइट, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जब मैं वीडियो बनाऊ बीच मत बोला करो भाई, मैंने आपको बोला भी नहीं, किसको बोला, हंस मत अब।